goes till I get up. Time is barely up. जैसे ही सर्दियां जाती है हमारे सामने आती है एक समस्या कि गर्म कपड़ों को हम कैसे स्टोर करें। मैं गर्म कपड़ों को कैसे स्टोर करके रखती हूँ कि मुझे मेरे नेक्स्ट सीजन में सभी गर्म कपड़े सही जगह और सही कंडीशन में मिल सके। सबसे पहले मैं सभी गर्म कपड़ों को एक जगह कलेक्ट कर लूँगी। इन गर्म कपड़ों को स्टोर करने के लिए मुझे जो जो बैग चाहिए उन्हें भी मैं एक साथ एक जगह पर कर लेती हूँ ताकि मुझे कपड़े रखने में आसानी हो सके। मैं कपड़ों की कैटेगरी वाइज अलग अलग बैग बनाती हूँ। जैसे ये मेरी लेगीज और कुछ प्लाजो हैं जिन्हें मैं इस तरह से समेट कर राउंड शेप बना लेती हूँ। दूसरी सभी लेगीज को भी मैं इसी तरह से समेट कर राउंड शेप बना लूँगी और एक ले लूँगी इस तरह की प्लास्टिक की बैग और इन सबको मैं इस बैग में डाल दूँगी। इसी तरह से दूसरे सभी लेगीज को भी मैं एक के बाद एक राउंड शेप बनाते हुए इस प्लास्टिक बैग में डाल दूंगी। ये प्लास्टिक बैग आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। एक बैग में चार लेगी आराम से आ जाती है। इस बैग को मैं सेलो टेप से बंद कर लेती हूँ। अब हमें चाहिए कोई इस तरह की बैग जिसमें हम इन सभी छोटी बैग को अरेंज कर सकें। इस तरह की बड़ी ये कपड़े की बैग भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। इसी तरह दूसरी बैग को भी बनाकर मैं इसमें अरेंज कर दूंगी। सेकेंड है मेरी स्टोल्स, इन्हें भी मैं इसी तरह से राउंड शेप में समेट देती हूँ। इसी तरह से मैं मेरी दूसरी सभी स्टोल्स को भी राउंड शेप में समेट लेती हूँ। स्टोल्स को समेटने के बाद मैं ले लेती हूँ एक प्लास्टिक बैग और सभी स्टोल्स को इस तरह से मैं इस बैग में डाल देती हूँ। इस तरह की एक बैग में चार स्टोल्स आसानी से आ जाती हैं। इस बैग में अभी स्पेस है तो इन स्टोल्स को भी मैं इसी बैग में डाल देती हूँ। इस तरह से डालने के हमें दो फायदे होते हैं। एक तो हमें पता लग जाते हैं कि हमने किस बैग में क्या डाला है और दूसरा हमारे कपड़े की किसी प्रकार की कोई क्रीज खराब नहीं होगी। इसी तरह से मैंने दूसरी स्टोल्स की भी बैग बना ली है, इसे भी मैं इसके साथ ही रख देती हूँ। और ये मैंने रेडी कर ली सेकेंड बैग। इस तरह से स्टोल्स और लेगी की मेरी एक बैग रेडी हो चुकी है। इस तरह की बैग में डालने से हमें देखने से ही पता लग जाता है कि हमने इसमें क्या क्या डाला है। और जितने भी कुर्ते कार्डिगन हैं सबसे पहले मैं इनके रोए को हटा देती हूँ। रोए हटाने के लिए इस तरह का प्रोडक्ट से मैं सभी रोए को हटा दूंगी ताकि नेक्स्ट सीजन में हमें ये अच्छी पोजिशन में मिल सके। अब मैं दिखाती हूँ कि मैं कुर्ते को कैसे फोल्ड करती हूँ। पहले एक साइड से फोल्ड करूँगी, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करूँगी और फिर इस तरह से मैं स्लीव्स को फोल्ड करते हुए इसकी चार बार टैग लगाऊंगी। इस तरीके से समेटने से ये साइड में छोटा रहता है और इसे रखने के लिए हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से मैं बाकी दूसरे सभी कुर्तों को भी समेट लूँगी।
सभी कुर्तों को समेटने के बाद एक एक कुर्ते को इस तरह से अलग अलग प्लास्टिक बैग में डाल दूंगी। इस तरह से सभी कुर्तों की पैकिंग करने के बाद इन्हें इस तरह से एक बड़ी बैग में मैं डाल दूंगी। इसी तरह से मैं घर के सभी अलग अलग मेंबर की अलग अलग बैग बना लेती हूँ। इस तरह से बैग बनाने से मुझे नेक्स्ट सीजन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती।